सरकार से जवाब नहीं है। सरकार के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पैरामिलिट्री के साथियों का नमस्कार। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद हूं मैं ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर एक ऐतिहासिक महारैली हो रही है। ये विशाल पुरानी पेंशन बहाली अधिकार रैली है, जिसमें 30 से अधिक कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी एक मांग है, जो पुरानी पेंशन किसी भी हाल में बहाल की जाए। इसके लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो रामलीला मैदान का पूरा मैदान है, पूरा भरा हुआ खचाखच लोगों का हुजूम है। शायद आप जितना रामलीला मैदान के अंदर देख पा रहे हैं, उतनी ही भीड़ रामलीला मैदान के बाहर है। और मेरे पीछे एक बड़ा सा मंच है, जिस मंच पर जो सभी कर्मचारी संघों के नेता बैठे हैं, और वहाँ से लगातार वो सरकार को ललकार रहे हैं, जो कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं तो ये सरकार नहीं। इसी मांग को लेकर हमने कर्मचारी यूनियन के नेताओं से बातचीत करेंगे। और जो आम कर्मचारी यहाँ इस भीषण गर्मी में इस रैली में शामिल होने आया है, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे पुरानी पेंशन कर्मचारी क्यों जरूरी है और NPS इनके लिए घातक क्यों है, और अगर इनकी मांगे पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो आगे इनका रास्ता और इनका आंदोलन कैसे चलेगा। अगर हमारे पास पेंशन है तो हमें ना अपनी बीमारी की चिंता है, ना कहीं जाने की, ना खाने की। हम अपनी दो रोटी खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं, बच्चों के बीच में खुश रह सकते हैं। आने वाले बच्चों के लिए ये जो 2004 के बाद की पेंशन बंद कर दी गई है, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा आज हम सोचते हैं कि अगर हमें देखकर अगर बच्चे खुश होते हैं, कल आने वाले टाइम में उन बच्चों को कोई भी ठीक से रखेगा नहीं, उनका बुढ़ापा खराब होगा। और क्यों ना दे, जब MLA MP सबको इतनी अच्छी पेंशन मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो है टक्कर की लड़ाई है, अगर हमें OPS ना मिला तो ये तो लड़ाई बढ़ेगी। हमारे महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी जैसा संदेश देंगे, हमारा सारा यूथ, सारा पुरानी पेंशन वाले, नए पेंशन वाले, पूरे कर्मचारी अब एकजुट हो चुके हैं। देश पर वही राज करेगा जो पेंशन की बात करेगा। अगर पेंशन नहीं तो देश पे राज करने वाले को बदल देना ही पड़ेगा। सरकार के लिए पुरानी पेंशन पाप है, 16 नहीं नहीं तो फिर सांसद और विधायकों की क्यों है, उनके लिए पाप नहीं है? उनके लिए ये पाप नहीं है? अगर 2004 के बाद उन्होंने NPS लागू किया तो उनके ऊपर जो सांसद है, विधायक है, उनके ऊपर क्यों नहीं है? हम लोग मुंबई से आए सेंट्रल रेलवे से, अभी वो बोलता है कि पुरानी पेंशन पाप है, तो पहले उनकी सांसदों की पुरानी पेंशन बंद करनी चाहिए, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि वो लागू नहीं करेंगे तो हमारा आदरणीय महामंत्री बोलता है वेणुपी नायर, तो पहले सबसे पहले जो रेल बंद होगा तो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन हम लोग बंद करने का ताकत रखता है, इतनी ताकत हमारे महामंत्री के पास है। आम चुनाव में इसका असर होना है। अगर पेंशन है तो वोट है, अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हमारे रेल कर्मचारी गांव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है एक कर्मचारी है, एक के घर में 10 मेंबर भी हैं, एक के गांव में 500 आदमी भी हैं। वो हर जगह प्रचार करेगा और कर रहा है, वो हर जगह अपनी बात को बताएगा कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है। और इसी तरह से एक नहीं अनेक लोग इस बात को मानेंगे कि ये 2004 के बाद की जो पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम, इनको लागू करनी पड़ेगी, वरना रेल का चक्का जाम हो सकता है। हमारे महामंत्री जी का आदेश है, पूरी टीम तैयार है, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। फाइनेंस समिति की अध्यक्षता में पेंशन रिव्यू कमेटी, जो ये सैलाब आया है ना, कि हम सरकार को बोलेंगे कि समंदर को बड़ा गुमान था अपने सैलाब को देखकर, अपनी सुनामी को देखकर, लेकिन हमने भी ये ठान लिया कि हमारी कश्ती वहाँ ले चलो जहाँ सैलाब आया है। तो ये जो हमारी कश्ती है, ये चुनौती है सरकार को कि अगर हम ले कर रहेंगे तो OPS ले कर रहेंगे, आज नहीं तो कल जरूर ले कर रहेंगे, क्योंकि अगर हमें OPS नहीं तो वोट नहीं। तो ये आने वाली सरकार जो हमारी चुनाव होने वाला है 24 में, उस पर ये वो सतर्क हो जाए कि हमारा एक एक जो वोट है वो सिर्फ OPS पे ही पड़ेगा, ना कि NPS पे। अगर OPS लागू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सरकार भी नहीं बचेगी।
मेरा नाम प्रभात तिवारी है और हम लोग लखनऊ डिवीजन से आए हैं। आदरणीय महामंत्री शिव गोपाल जी मिश्रा की कार्यस्थली से मैं आया हूँ और यहाँ पे हम सभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक साथ लगभग 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस रामलीला मैदान पे एक साथ आवाज़ दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अगर नहीं होगी तो इसके आगे भी हम लोग और भी धरना प्रदर्शन तेज करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आगे और भी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। ओल्ड पेंशन सिर्फ एक पेंशन नहीं है, ये बुढ़ापे में एक मान्य सम्मान है और मान सम्मान बहुत जरूरी है हर कर्मचारी के लिए जो अपनी पूरा जीवन इस सेवा रेल की सेवा में लगा देता है। तो इस मान सम्मान के लिए ओल्ड पेंशन बहुत जरूरी है। मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ। सरकार देश और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है और अंधेरे में रख कर के देश को बरगड़ाने का काम कर रही है। सरकार हमसे कह रही है कि 9.5% का ब्याज में दे रहा हूँ, फिर नई पुरानी पेंशन क्या हो सकता है। लेकिन जब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर आप 8% मुझे ब्याज दे देंगे तो फिर हमें आपके सरकारी खजाने से एक भी पैसा पेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, हम अपने पैसे से ही पेंशन 28 साल बाद सेवानिवृत्ति बाद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी से आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा। रिश्तेदारी नहीं निभानी पड़ेगी अडानी और अंबानी से। हमारा एक IBFRF कंपनी है जिसमें हमारे कर्मचारियों शिक्षकों का पैसा काट करके 16,000 करोड़ उस संस्था में लगाया गया। वो संस्था एक बार डूब गई, दो बार डूब गई, तीन बार डूब गई, 12 बार वो संस्था डूब गई है और अब भी पैसा उसी में लगाया जा रहा है। अगर सरकार उसके साथ कोई रिश्तेदारी निभाना चाहती है तो अपने पैसे से निभाए, उत्तर प्रदेश और देश के शिक्षक कर्मचारियों के पैसे से रिश्तेदारी हम कतई नहीं निभाने देंगे। आने वाले 2024 में या तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे या मैं वोट बैंक की ताकत बनकर पूरे देश में इनको दिखाने का काम करूँगा। इनमें रेल के लोग हैं, डाक के लोग हैं, प्रतिरक्षा के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, कॉरपोरेशन के लोग हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हैं। कि जो नए पेंशन है उसमें 3,000, 2,000, 400, 500 रुपये पेंशन मिल रही है, उससे किसी का काम तो चल नहीं सकता, तो इसलिए अब दिक्कत है हम लोगों के सामने और इसको अब हमारी समझ से कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो लोग रिटायर होने वाले लोग हैं या रिटायर हो रहे हैं, अगर उनको 2 जून खाना नहीं मिल सके तो उनके सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सके तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, 14 लाख बच्चे खाली केंद्र सरकार में, 9.5 लाख कर्मचारी सिर्फ रेलवे में, ऐसे आ चुके हैं बच्चे बच्चियाँ जो कि नई पेंशन स्कीम की जद में हैं, उनके दिमाग में टेंशन हैं कि हम रिटायर होंगे तो क्या होगा। तो ये परिस्थितियाँ हम लोगों के सामने हैं, अगर हम इसको आगे ठीक नहीं कर पाए तो बट नेचुरल है कि हम समझते हैं कि एक बड़ा संघर्ष सामने है। सर, जैसे बहुत सारे राज्यों में इसका असर हुआ है, विपक्षी पार्टियों ने OPS को लागू करने का वादा किया और वो चुनाव जीत के आई है, इसका दबाव सरकार पे भी कुछ दिख तो रहा है, कुछ कमेटी बनाई है उसने, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इसका नतीजा क्या आगे वाले जो देश का चुनाव आम चुनाव है उसमें दिखे कर्मचारियों की एकता या बस एक रैली बनकर यहीं सिमट के रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश जो अन्य राज्यों में लागू हुई, उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2018 में आंदोलन किया, उसका परिणाम है कि उसके भय से अन्य राज्यों में पेंशन लागू हुई। लेकिन अब आदरणीय तिवारी जी का, हमारा आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी का ये उद्देश्य नहीं है कि राज्य राज्य बहाल हो, हमारा सबका ये उद्देश्य है कि PFRDA बिल जो किसान कानून जैसे वापस हुए, ऐसे ही PFRDA बिल वापस हो और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं, जैसा आपने कहा, पूछा कि इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है देश और प्रदेशों की सरकार, तो आने वाले 2024 में ये मंच, जो मंच वैसे निर्णय लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, अगर नहीं मिली तो निश्चित तौर पर हम पूरे देश में उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी वोट बैंक करने का काम करेगा और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। निश्चित तौर पर भारत बंद होगा, जबरदस्त हड़ताल होगी देश में, हम नहीं चाहते टकराव, हम नहीं चाहते देश की जनता को तकलीफ पहुंचाना, हम नहीं चाहते देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, लेकिन अपील करते हैं सरकार से वो हमारी बात को समझे और पुरानी पेंशन बहाल करें।